चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में पार पाना सबके बस का नहीं है। बड़े बड़े यहां पर हिल जाते हैं, लेकिन जितना आप अध्ययनशील रहेंगे ज्योतिष आपको उतना गहराई से फलादेश देता है। ऐसे में जन्म कुंडली में पद आरूढ़ लग्न निकालने की प्रक्रिया भी एक अनुपम और अनूठी है। क्या आपको पद लग्न निकालने की प्रक्रिया में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है, तो आप आइए और देखिए इस वीडियो में कैसे निकालते हैं पद लग्न। देखिए, जन्म कुंडली में कितने सारे विभाग हैं, जैसे सूत्र। जन्म कुंडली मानव जीवन की विस्तृत भूमिका का एक पहलू है। दूसरा, मानव जीवन की प्रत्येक तालिका में भूमिका में कौन से कुंडली से अधिकतर सत्य यथार्थ होता है, तो हम कहेंगे कि जन्म कुंडली के प्रत्येक विभाग से आपको सत्य का पारदर्शन निश्चित ही प्राप्त होगा। जैसे जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, उसके बाद एक और बहुत बढ़िया वर्ग है जिसको कहते हैं पद लग्न और उपपद लग्न। तो चंद्र कुंडली से जीवन के गोचर ग्रह के अनुसार जातक को चीजें देखनी होती हैं, विषय देखने होते हैं। जन्म कुंडली से जीवन के अंदरूनी भाग में कई जन्मों के हाल चाल मनुष्य को पता लेने में आसानी होती है। इसी प्रकार पद लग्न से मनुष्य का जीवन साथी कैसा होगा, जातक का जीवन साथी कैसा होगा, स्त्री है या पुरुष, यह बात एक विलग है। जन्म कुंडली में पद लग्न निकालना भी एक अलग विषय है। इस विषय को आइए समझिए और तब समझ में आएगा कि पद लग्न से क्या क्या विचार किया जाएगा। और इस विषय का तो प्रारंभ हम कर रहे हैं, इस विषय के भिन्न भिन्न पहलू होंगे, अलग अलग आपको वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे विषय के बारे में। तो चलिए हम पद लग्न निकालना सीखते हैं, कैसे पद लग्न निकालते हैं। इसके लिए आपके पास एक जन्म कुंडली होनी जरूरी है। मान लीजिए हमने जन्म कुंडली यहां पर तुला लग्न की ली हुई है और तुला लग्न की कुंडली से हमें पद लग्न यानी आरूढ़ पद लग्न निकालना अब है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जन्म कुंडली तुला लग्न की है, अब हमको तुला लग्न से पद लग्न बनाना है। पद लग्न के लिए हमें देखना होगा कि लग्न का जो मालिक है अर्थात शुक्र ग्रह है कितने घर आगे बैठा है। तो हम यहां देखेंगे कि ये तुला लग्न है, इसका मालिक है शुक्र। अब शुक्र की गिनती यहां से जब करेंगे तो पाएंगे हम कि छठे घर में है, लग्न से छठे घर में। तो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छठे घर में मीन लग्न के अंतर्गत शुक्र बैठे हैं। अब हम शुक्र से फिर 6 घर आगे चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी ठीक छठे घर में यहां पर आ रही है कौन सी, सिंह। सिंह लग्न आ रहा है तो हम सीधे से यहां बैठा देंगे सिंह लग्न, इसमें सिंह लग्न बिठा देंगे। और ठीक वैसे सिंह से आगे सारे के सारी राशियां निर्मित कर देंगे।
ठीक है, ये हमारा हो गया आरूढ़ लग्न। अब लग्न में जो भी ग्रह लग्न का मालिक है उससे कोई मतलब नहीं, हमें जैसे इस कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हैं, ठीक हमने उसी तरह से सारे ग्रह बैठा देने हैं। जैसे बृहस्पति 6 पर बैठे यानी कि कन्या में बैठे हैं, तो हम यहां बृहस्पति कन्या में बैठा देंगे। राहु 8 में बैठे यानी वृश्चिक में बैठे हैं, तो राहु को वृश्चिक में बिठा देंगे। और राहु के ठीक 7वें घर में हमेशा केतु होता है, अतः केतु को हम सीधे यहां बैठा देंगे। उसके बाद मंगल कर्क में है, मंगल को हम कर्क में बिठा देंगे। तदुपरांत सूर्य मेष में है, सूर्य मेष में बिठा देंगे। इसी तरह से शुक्र बुध मीन में है, तो शुक्र बुध को हम मीन में बिठा देंगे। ठीक है, ये हमारा पद लग्न चार्ट जिसको आरूढ़ लग्न बोलते हैं रेडी हो गया। और शनि रह गया है, तो हम शनि को यहां कुंभ में बिठा देंगे। ठीक है, अब ये बन करके तैयार हो गया पद लग्न कुंडली। अब इससे हम फलादेश कैसे करेंगे ये ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगले डिपार्टमेंट में, अगले वर्ग में, वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझाएंगे। देखिए, हम इसमें से आमदनी के बारे में विशेष विचार कर सकते हैं। यहां पर इस जन्म कुंडली के अनुसार इस जातक को कितनी आमदनी होगी, इस आमदनी का कारक स्थान, जो आमदनी का कारक है वो बुध है यहां पर जन्म कुंडली में। तो बुध की स्थिति को हम देखेंगे दूसरे स्वभाव में, दूसरे भाव से यदि हम देखते हैं तो आमदनी का कारक मेन बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति यहां पर चूंकि 11वें घर को नहीं देखता है, लेकिन बृहस्पति ठीक 11वें घर के स्वामी को देखता है। कैसे इसको हम समझेंगे, ऐसे आप ध्यान पूर्वक देखें तो जन्म कुंडली में, एक मिनट में आपको समझाता हूं। देखते हैं बृहस्पति जैसे आमदनी का मालिक है, यहां पर बुध, बुध बैठा हुआ अष्टम स्थान पर। अब ये व्यक्ति अगर बृहस्पति यहां ना देखता होता तो ये व्यक्ति एक निकम्मा हो जाता। अब इस व्यक्ति को बृहस्पति से संबंधित कर्म करने से लाभ होगा, जैसे बृहस्पति की दृष्टि सीधे बुध को देख रही है और कर्म स्थान को देख रही है, यानी कि शुक्र के भाव को, शुक्र की राशि को नवी दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को धर्म, कर्म, ज्योतिष विद्या एवं सौंदर्य संबंधी कार्यों से लाभ होगा, बुद्धि के बल से इस व्यक्ति को विशेष लाभ होगा। लेकिन यह व्यक्ति आलसी होगा, क्यों, आलस में रह करके काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, चिरकारी होगा। जैसे यहां का मालिक अष्टम स्थान पर चला गया और अष्टमेश दूसरे स्थान पर चला गया, अतः इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा और यह व्यक्ति पैसे को खर्च देगा, आएगा खर्च देगा। परंतु आमदनी का मूल कारण यहां पर बैठे हुए दो ग्रहों से पता लगता है और तीसरे ग्रह बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से, ये आध्यात्मिक विद्या से, कथावार्ता से, ज्योतिष विद्या से, बुध की वजह से वाणी की विचार कुशलता से धन संपत्ति को अच्छा अर्जित करेगा और खर्च भी बहुत ज्यादा करेगा। तो इस तरह से एकादश स्थान का जो स्वामी है, बुध अष्टम है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जो नवमेश पंचमेश बृहस्पति है और नवम भाव का कारक है, अतः ऐसे व्यक्ति को पंचमेश होने के नाते जब इसके घर में पुत्र संतान होगी तो यह व्यक्ति धन संपत्ति अधिक अर्जित करेगा। एवं ऐसा मैंने क्यों कहा कि पुत्र संतान होने के बाद इसको धन संपत्ति का योग बनेगा,
कारण क्या है कि यहाँ का पंचमेश पंचम भाव होता है जो खास तौर से पुत्र का, तो पंचम भाव से संबंधित जब पुत्र संतान उत्पन्न होगी तो बृहस्पति जागृत हो जाएगा। ऐसी अवस्था में इसका बुद्धि विवेक जागृत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा। ये मेरा मानना है, मैंने अपनी तरफ से ये चीज आपको बतानी है। फिर यहां देखा जाए उच्च का सूर्य पिता के क्षेत्र धर्म क्षेत्र में बैठा हुआ, अतः इस व्यक्ति को पिता के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा और यह आगे उत्तरोत्तर तरक्की करता जाएगा। परंतु यदि पिता से जरा सा भी यह छूटा तो इस व्यक्ति को कोई तरक्की नहीं होगी। एक दो तीन बीच में सूर्य आ रहा है, अतः पिता के साथ यदि जुड़ा रहेगा तो इस व्यक्ति को लाभ होगा। ये तो हो गया हमारा पद लग्न। हालांकि अभी हम उपपद लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे और पद लग्न में आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके छोटा वीडियो बनाते हैं, अगले वीडियो को देखना मत भूलेगा और तब आपको समझ में आएगा कि पद लग्न से हम और कितनी सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं इसमें छोटे से वीडियो के साथ विदा। अगले पद लग्न उपपद लग्न की चर्चा को हम जारी रखेंगे। पुनः अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।